Assalamualaikum friends, welcome to our channel Ikra Abbas Korea. तो पहले तो thank you so much जो हमारे new subscribers हैं, जो हमारी video को बहुत ज़्यादा like कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, share कर रहे हैं अपने family and friend के साथ, तो उनके लिए thank you, khamsa hamida and धन्यवाद also. जो हमने last movie का trailer उसके बारे में reaction दिया था, आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया था, तो हमने कहा क्यों ना आप लोगों को अपने ही मूवी के बारे में रिएक्शन देके उसके उसकी तरफ भी थोड़ा अट्रैक्ट किया जाए. हम किस वीडियो पे किस मूवी पे रिएक्शन देंगे उसके बारे में आपको ये बताएंगे. असल में हमने पहले भी इस वीडियो के टीजर पे रिएक्शन दिया था. ये एक पाकिस्तानी मूवी है, इसका नाम है जी बेबीलिशियस. इसके जो मेन लीडिंग रोल है वो है सायरा यूसुफ, शहरोज सबजवारी. तो पहले तो हमने इसके टीजर पे दिया था, अब इसका ट्रेलर आज ही आया है, यानी कल आया था. तो अब हम इसके क्या कहते हैं ट्रेलर पे देखते हैं, और काफी बातें करने से पहले चले आए इसका ट्रेलर देखते हैं. वादा करो वाले कभी छोड़ के नहीं जाओगे. वो वाले बोल रहे कभी छोड़ के नहीं जाओगे. हमारा ब्रेकअप बहुत पहले हो जाना चाहिए था. मुझसे गलती हुई, अगर मैं किसी और के साथ होगा तो उसका हार्ट प्रीफ्लेक्स करेगा. I'm sorry, मेरी बात पक्की हो चुकी है. लाइफ में प्रैक्टिकल होना जरूरी है. My brother was right. मेरी बहन के नाम तो कभी अमित था और ना कभी होगा. To trust a loser. पहले तो मेरा जुर्म था, पर अब पंगा है. पंगा? जिद बना तो पंगा अब भी. अब तो मैं तुम्हारे लिए पाके रहूंगा. दमी नहीं है मम्मी डैडी बच्चे में. दमी नहीं है मम्मी नहीं. वो बीते पल, वो यादें दिल के किसी कोने में दबा सकती, दिल से निकाल नहीं सकेगी वो. उससे किया हुआ वो वादा याद है मुझे, बस उसे याद दिलाना है. जी तो ये था हमारा बेबीलिशियस का ट्रेलर. ट्रेलर मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं खुद पर्सनली उस ट्रेलर के अंदर जब घुस गई थी, देख रही थी कि क्या होने वाला है, थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है. पहला तो ये सायरा यूसुफ और शहरोज सबजवारी की, ये दोनों एक्स हस्बैंड वाइफ, ऐसा लग रहा है उनकी रियल लाइफ की स्टोरी लग रही है मेरे से पूछे तो. तो थोड़ा थोड़ा बहुत लेकिन रियल लाइफ में देखते हैं वो वापस आप मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं बेचारा. अब तो उनकी उसकी आगे उसकी शादी हो चुकी है. लेकिन ये मूवी अगर देखी जाए ना तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मूवी में थोड़ा सा रोमांस भी नजर आया, कॉमेडी भी नजर आई है, लड़ाई तो वो भी नजर आया है. वैसे इस मूवी के अंदर तुम्हारा सबसे फेवरेट वही मेरी बात डायलॉग कौन सा है? मैं पहले सोची थी, मैंने तीन डायलॉग मुझे बीच में अच्छे लगे, जो की मुझे दो भूल गए. एक याद रहा है की वो यादें और वो सब कुछ भुला सकती है की नहीं. वो तो ये था ना पूरा कि वो मेरी वो यादें वो भुला तो नहीं सकती. हाँ. दिल के किसी कौन ये था कि मेरी यादें वो भुला तो नहीं सकती, लेकिन दिल के ही किसी कोने में दफन करेंगी, रहेंगी तो दिल में ही. दिल में ही. हाँ, लेकिन मुझे देखो तो मुझे इसके मजाहिया जो थे
वो अच्छे लगे, वो एक वो जिसमें वो कहता है मम्मी मम्मी डैडी बच्चे, मुझे भी पहले ही अच्छा, मैंने भूल गई ये मम्मी डैडी बच्चे एक नंबर पे, ये अच्छा लगा था। और दूसरा वो पंगे वाला जो वो था, पंगा, यानी कि पहले हमने ये तो सुना हुआ कि यार वो पहले मेरी ख्वाहिश थी या चाहत थी, अब मेरी जिद है। उसने कहा कि वो मेरी मेरी ख्वाहिश अब थी, मेरी पंगा पंगा नहीं है, है। यानी कि एक अलग सा डायलॉग वगैरह है। तो ये मुझे थोड़े से वो लगे। तो लेकिन पर्सनली मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी कि आप लोग जाएं, हम लोग भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ये मूवी देखें, आप लोग भी जाएं और इस मूवी को देखें, काफी अच्छी मूवी लग रही टेंथ है। फरवरी को आ रही ये है, रिलीज हो रही है, तो विश देम बेस्ट ऑफ वी लक। विश देम बेस्ट ऑफ लक। इसी के साथ ही हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक आवर चैनल, शेयर आवर वीडियोस विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, दिपताली बाय।